मोदी सरकार की ओर से सीएए और एनआरसी बिल लोकसभा और राज्यसभा पारित करने के बाद पूरे देश में इन बिल के विरोध में मोर्चा व आंदोलन किए जा रहे हैं। नागपुर शहर में भी अभी तक विविध संगठनों की ओर से इस बिल का विरोध किया गया है। शुक्रवार को भी शहर के विविध संगठनों ने एकजुट होकर संविधान चौक पर धरना प्रदर्शन किया। शहर के विविध क्षेत्रों से निकले मोर्चे का रूपांतर संविधान चौक तक आते आते भव्य मोर्चा में हो गया। मोर्चे में लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। इस मोर्चे के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बंदोबस्त भी रखा गया था। भारत की आजादी के लिए हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इस देश को आजादी दिलाया। 1857 की उम्र से हजारों और लाखों उलमाओं ने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। 1942 में जब महात्मा गांधी ने करो और मरो की लड़ाई लड़ी थी तो सबसे ज्यादा मुसलमानों ने आगे आकर अपनी आहुति दी और शहीद हुए इस देश के लिए। और आज यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल, जो नया कानून लाने का जो काम ये सरकार ने किया है, उस कानून के विरोध में पूरा हिंदुस्तान, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे बौद्ध हो, सभी समाज के मिल के लोगों ने आज यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला है। जो नया कानून बनाया है, जिसे मैं काला कानून कहूँगा, उसके विरोध में बहुत पीसफुल मोर्चा निकला है। और पूरे देश के अंदर में कल मैंगलोर में लाखों लोगों का मोर्चा निकला, केरला में निकला, उत्तर प्रदेश में निकला, दिल्ली में निकला, शाहीन बाग में भी चल रहा है। पूरे देश के अंदर में एक माहौल बना हुआ है और ये नया माहौल जो बना रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने बनाई है, ये सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए और पोलराइजेशन करने के लिए ये नया कानून बनाया गया है। और इस कानून का विरोध करने के लिए, इस कानून के विरोध में खड़े है पूरा देश खड़ा हुआ है। सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हमारे साथ में हिंदू भी है, सारे दलित भी है, ये सब मिलकर इस कानून के विरोध में हम सब लोग यहाँ पर पीसफुली करने के लिए आए हुए हैं।